हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीन फ्रॉम नवीन मेहता फिटनेस नेटवर्क। आज हमारे साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट मिस खुशी हैं। जो क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू आए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हमारी टीम ने सेलेक्ट किए हैं, उसका मिस खुशी आंसर करेंगी। जो पहला क्वेश्चन हमें आया है वो है बैंगलोर से। मिस राधिका ये पूछती है, आई एम राधिका, माई एज इज 37, मुझे पिंपल्स होने लगे हैं, इस एज में पिंपल्स क्यों हो रहे हैं और इनका क्या सोल्यूशन है? राधिका जी, पहले तो आपके चार फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। एक तो अगर आपको पिंपल्स होने से जो पहली बात, तो कोई भी लेडीज जो होती है, सारी लेडीज को इस एज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही होता है व्हेन यू आर अबाउट टू टच 40। ओके, तो इसके रीजंस हो सकते हैं आपकी जेनेटिकली, अभी ये चीज मैटर करती है कि आप जेनेटिकली किस तरह से आपके जेनेटिक्स है। सेकेंड चीज, स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है, एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। थर्ड थिंग कि आप मेडिकेशन, अगर आप विटामिन्स ले रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी, आप विटामिन्स ले रहे हैं, आपको किसी तरह की मेडिकेशन पे है, उससे हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, उससे हो सकता है। तो पहली बात तो इन सब चीजों को आप चेक में रखिए, गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट भी करिए, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, एंड इसका सोल्यूशन ये है कि मैं रेकमेंड करूंगी, आप जब सोते हैं तो एक तो हमेशा अपना फेस वॉश करके सोइए। फेस वॉश करके सोने के बाद आप सारे कॉस्मेटिक्स छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एलोवेरा जेल लगाइए। अप्लाई ओनली एलोवेरा जेल एंड देन इफ इट इज नेचुरल इट्स बेटर। अगर आप कोई अच्छी ब्रांड आपको मिलती है मार्केट में जो आपको सूट करती है, वो लगाइए, लगाकर सो जाइए। और टूथपेस्ट लीजिए, व्हाइट टूथपेस्ट, इट कुड बी एनी व्हाइट टूथपेस्ट। अप्लाई ऑन योर पिंपल्स, जहां जहां पे पिंपल्स है वहां अप्लाई करिए। उसको पूरी रात के लिए रहने दीजिए, सुबह उठिए, अपना फेस वॉश करिए, आप फिर से अच्छी तरह से वॉश करिए। उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लगाएं। आई ऑलवेज रेकमेंड कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल फॉर पिंपल्स। कोकोनट ऑयल से आपके पिंपल्स फिर से और ड्राई होने लग जाएंगे, एट द सेम टाइम आपकी स्किन में जो है, जो जो इलास्टिसिटी लूज हो रही है, वो रीगेन होने लग जाएगी जब आप कोकोनट ऑयल लगाते हैं। उसके बाद आप फिर एलोवेरा जेल लगाइए। ये आप करिए, एक हफ्ता करिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। Okay, so this was the first question. Now we'll go to the second question. Next question is related to fitness, jo again Khushi madam ke liye hai. And the question is from Delhi. She is Sarika. She's 45 year old and she's asking that I have just started weight training program and I want to know, is it beneficial for me? Shall I continue doing it or is it harmful for me? Please explain. Okay. सारिका जी, आपकी एज 45 इयर्स है और आप ये जानना चाहती हैं कि आप के लिए वेट ट्रेनिंग हार्मफुल है या फिर बेनिफिशियल है। वेट ट्रेनिंग बहुत बेनिफिशियल है। वेट ट्रेनिंग मैं आपको रेकमेंड, हमेशा हम लोग वेट ट्रेनिंग ही रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर आपको वेट फास्टर लूज करना है तो उसके लिए आप वेट ट्रेनिंग ही करिए एट द सेम टाइम। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए एट दिस एज, और जिससे भी आप ट्रेनिंग ले, वो दैट ट्रेनर शुड बी सर्टिफाइड। वो सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है ट्रेनिंग किससे ले रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप वेट्स करना शुरू करते हैं, आप एकदम से अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट मत उठाइए। जितना वेट आपको ट्रेनर रेकमेंड करे आप उतना ही उठाइए और अपने टेस्ट कराइए। गेट योर टेस्ट डन, वी ऑलवेज रेकमेंड। जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, लिपिड प्रोफाइल, किडनी, ब्लड प्रेशर, ये सारे टेस्ट कराकर उसके बाद आप फिर जिम जाइए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, आप जितना ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी इस एज में आप श्योर इलास्टिसिटी लूज हो रही है, इसके ऑब्वियस बात है। उससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स जब बिल्ड होंगी, जैसे जैसे आप वेट बिल्ड कर रहे हैं वैसे वैसे मसल्स भी बिल्ड होती जाएंगी और इलास्टिसिटी स्किन की बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट थिंग तो ये बेनिफिट हो गया आपकी वेट ट्रेनिंग का। सेकेंड, आपकी आप यंग करने लग जाएंगे। सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप वेट ट्रेनिंग करिए, बट as per your capacity and recommendation by your doctor and your trainer. Okay, to add on to this, there is something called as bone density. In females, especially after the age of 30-35, they start losing their bone mineral, which is especially calcium. They start losing calcium from their bone. So the only way to regain it naturally is to exercise the weights. Or arthritis, jo ladies mein problem hoti hai, uska bhi jo one important solution, it's not medication, it's training with weights. अगर आप properly weights से train करेंगे तो आपको arthritis जैसी problem भी नहीं होगी. So these are the benefits. So this was the second question. Now we'll go to the next question. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिटनेस रिलेटेड है. इनका क्वेश्चन है, मेरा नाम राघव है, मैं कोलकाता से हूँ, मैं 22 इयर्स का हूँ और मैं सिक्स पैक बनाना चाहता हूँ, तो क्या अगर मैं 1 घंटा वर्कआउट करूँ मेरे सिक्स पैक आ जाएंगे? ओके अब मैं दिस इज अवर देयर सो मेनी मिथ्स अराउंड इन आवर इंडस्ट्री कि अगर आपको एब्स बनाना है तो आप 1 घंटा एब्स कर लीजिए. सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पॉट रिडक्शन, किसी भी स्पॉट से फैट कम करना इज नॉट पॉसिबल, इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. यू हैव टू गेट ऑपरेटेड. अगर आपको बाइसेप को सोच रहे हो कि मैं इफ आई वांट टू हैव अ बाइसेप लाइक अ फिल हीट और अ रॉनी कोलमैन, उसके जैसा सेम बाइसेप चाहिए तो आप ऐसी एक्सरसाइज करिए या वैसी एक्सरसाइज करिए, इट इज नॉट पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. जिस तरह की आप जेनेटिकली डिजाइन आपकी बॉडी है उसी हिसाब से आपकी बॉडी चेंज होगी. बस आप अपने मसल साइज को बढ़ा सकते हो विद एक्सरसाइज एंड ओवरलोड प्रिंसिपल एंड यू कैन लूज फैट बाय डाइटिंग प्रॉपरली. अब एब्स आना या ना आना आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज पे डिपेंड करता है. अगर 8 और 8 से कम बॉडी फैट परसेंटेज रहेगा तो आपके एब्स विजिबल रहेंगे और उसके लिए आपको कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ेगा. आपको कम से कम डिपेंड करता है आपको कितने बॉडी फैट परसेंटेज पे है. और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझिए कि एब्स करना और लेग्स करने में बेसिक डिफरेंस क्या है कि लेग्स इज लाइक अ मर्सिडीज और एब्स इज लाइक अ स्प्लेंडर हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक. अगर आप बाइक को देखें तो बाइक की एवरेज ज्यादा होती है क्योंकि उसका इंजन छोटा होता है. जब वो चलती है वो कम फ्यूल कंज्यूम करती है. ऑन दी अदर एंड जब मर्सिडीज जैसी गाड़ी चलती है तो वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है क्योंकि उसका इंजन बहुत बड़ा होता है. तो आपकी बॉडी में जो बड़े मसल्स हैं, लेग्स हो गया, चाहे वो बैक हो गया, चाहे वो चेस्ट हो गया, वो मर्सिडीज जैसे करते हैं तो मैक्स, जब आप उनको यूज करते हैं तो वो मैक्सिमम फ्यूल मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करते हैं. और आप हमेशा याद रखिए कि आपको कैलोरीज, टोटल कैलोरीज जितनी आपकी बॉडी से मैक्सिमम बर्न होगी उतनी जल्दी आप फैट लूज करेंगे, वेट लूज करेंगे. अगर आप एब्स का एक सेशन करते हैं तो आप 500 कैलोरीज बर्न करते हैं 45 मिनट्स में. और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एब्स का एक सेशन करते हैं 45 मिनट्स का तो आप 100 कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं तो आप खुद ही मैथमेटिक्स कर लीजिए, इट्स 5 times मोर इफेक्टिव. सो एब्स इज अ मसल, ट्रेन इट वंस और ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेंसिटी लेवल एंड योर फिटनेस लेवल. बट लेग्स को, बैक को और अदर मेजर मोस्ट मसल को जरूर ट्रेन करिए, उससे ज्यादा फैट लॉस होगा और उससे आपके जल्दी फैट लॉस होने की वजह से आपके एब्स आने के चांसेस ज्यादा है. और ये भी याद रखिए कि 70% न्यूट्रिशन होता है. अगर आप एब लेग्स वेग्स सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने न्यूट्रिशन पे आपकी कैलोरीज कंट्रोल नहीं है, देन यू विल आल्सो यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी एंड कीप दिस इन माइंड दैट स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. एब पे इतना फोकस मत कीजिए, बाकी मेजर वर्क्स को करें. सो थैंक यू. सो दीज वर द क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ. हमारे पास 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, 2 क्वेश्चन मैडम के लिए थे, 1 क्वेश्चन मेरे लिए था. आई होप वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस. डू यू वांट टू से समथिंग? यस, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसमें आप और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमें. आप जो हमारे स्क्रीन पे आपके व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है उस पे आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल नवीन मेहता फिटनेस नेटवर्क एंड खुशी फिटनेस नेटवर्क. थैंक यू.